साथियों कोची मैंगलुरु पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई लेकिन हमारे श्रमिकों हमारे इंजीनियरों हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से यह पाइपलाइन पूरी हुई कहने को यह सिर्फ एक पाइपलाइन है लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है क्यों आज देश गैस बेज इकोनॉमी पर इतना बल दे रहा है क्यों वन नेशन वन गैस ग्रिड पर इतनी तेजी से काम हो रहा है क्यों आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस बेज इकोनॉमी का तेजी से विस्तार बहुत जरूरी है वो सिर्फ इस एक पाइपलाइन के फायदों से समझ आ जाएगा पहला ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी दूसरा पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी तीसरा यह पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी चौथा यह पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी पांचवा यह पाइपलाइन मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी किसान को मदद होगी छठा यह पाइपलाइन मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को ऊर्जा देगी उन्हें स्वच्छ ईंधन देगी सातवां यह पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी आठवां प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा वो लाखों पेड़ लगाने के बाद भी अप ही हासिल हो सकता है साथियों नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा दसवां जब प्रदूषण कम होगा हवा साफ सुथरी होगी शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा और साथियों इस पाइपलाइन के दो और लाभ है जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैंडेज का रोजगार जनरेट हुआ है पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा फर्टिलाइजर उद्योग हो पेट्रोकेमिकल उद्योग हो बिजली उद्योग हो हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च ये खर्च बच जाएगा भारत कोप 21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे